motion of particle is circle, then its distance क्या हो गया कीजिए हाँ सब एक्चुअली जो डेफिनेशन वैसे है वो क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट है ना सर्कुलर मोशन की अब इसको उल्टा समझ रहे हैं कि अगर मोशन सर्कुलर होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट क्या रहेगा हमेशा कॉन्स्टेंट उसको घुमा के लिख रहे हैं बस क्योंकि उस डेफिनेशन को लिखने में एक एम्बिग्विटी आती है कई बार क्या होता है कि किसी और मोशन में डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्स्टेंट रह सकता है जैसे कि मैंने इसको ऐसे एक रस्सी से बांध दिया एक पार्टिकल यहां पर और मैं इसको ऐसे चला रहा हूं तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट बट द पाथ इज नॉट सर्कुलर तो थोड़ा सा इसको ऐसे सेटिंग कर दें कि कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके उसमें है ना इस सर्कुलर देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जैसे हम शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कैसे डिफाइन करते हो आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर है याद नहीं है किसी को याद है मनीष सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पानी बताओ हाँ अरे किसी को हाँ नहीं ये डेफिनेशन गलत है क्योंकि पैरेलल में भी करंट सेम हो सकता है अगर दो रेजिस्टेंस बराबर हो है ना तो आप लिख दो सीरीज कॉम्बिनेशन इफ सेम करंट फ्लोज इन ईच रेजिस्टेंस इट इज सेड टू बी सीरीज कॉम्बिनेशन तो मुझे ऑब्जेक्शन आ जाएगा क्योंकि सेम करंट तो उल्टा ट्रू होता है इफ द कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज देन करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम एंड फॉर दिस दे मस्ट बी जॉइंट एंड टू एंड है ना अगर आप ऐसे लिख दो इफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इफ द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इन सेम दे आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन दिस इज रॉन्ग बिकॉज करंट कैन बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल्सो आई करंट दिया दोनों रेजिस्टेंस बराबर है I/2 और इस बात को तो ऐसा लिखेंगे कि कोई जो ऑब्जेक्शन ना उठा सके ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए जैसे मैंने बताया ना आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट जो है वो तो किसी और मोशन में कॉन्स्टेंट हो सकता है ना फिक्स पॉइंट जरूरी नहीं कि वो फिक्स वेरी भी कर सकता है पर्टिकुलर पॉइंट जैसे कि मैं ऐसे चला रहा हूँ पार्टिकल को यहां से बांध के तो इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा क्या रहेगा उतना ही रहेगा बट इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन तो इफ मोशन ऑफ खैर दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट लेट अस कम टू दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसको फटाफट लिख के उसकी टेंशन ना करो खेरिया डेफिनेशन नहीं भी आती है 10 क्वेश्चन कर लिए वाह वाह होगी डेफिनेशन में घूमे रहो कुछ नहीं होगा है ना इफ द मोशन ऑफ पार्टिकल इज सर्कल देन डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड और moving remain constant or that constant distance can be called radius of circle and that point fixed or moving can be called center of circle that point can be called center of the circle samjhe point ye ab circular motion ko padhne ke liye hame jaise bilkul pehle iski basic kinematics pe jana padega kinematics of circular मोशन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जैसे अपन पढ़ते थे काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन वैसे ही काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इसमें अपन क्या पढ़ेंगे वही पोजीशंस वेलोसिटीज एक्सेलरेशंस और फिर उसकी डायनामिक्स में अपन को फोर्सेस समझने तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहला टर्म हम डिफाइन करते हैं एंगुलर पोजिशन एंगुलर पोजिशन जैसे वहां पर होती है लीनियर पोजिशन
with the angular position. It is the angle made by radius vector of particle from a reference line. Angle made by radius vector of the particle from a reference line at any instant, किसी भी instant पर. जैसे अपन बात करेंगे circular motion की, तो ये particle circle में घूम रहा है और मैंने इस line को ले लिया reference line और इस point को ले लिया reference point जो इसका center है और particle अभी यहां है फिर यहां आ गया. तो किसी भी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल का रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर स्टार्ट कहां से होता है, इसके सेंटर से और जाकर एंड होता है पार्टिकल की पोजीशन पर. तो ये मान लो कि पार्टिकल इस समय यहां पे किसी भी टाइम टी पर इस तरीके से घूमता हुआ जा रहा है इसके ऊपर, सर्कल के ऊपर. तो पार्टिकल किसी टाइम टी इज इक्वल टू टी पर यहां है, तो रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पर है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी एंगुलर पोजिशन. तो एंगल के टर्म्स में जैसे बोलते हैं लीनियर पोजीशन में कि ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, तो वैसे एंगुलर पोजीशन क्या है, अपने पास किसी रेफरेंस लाइन से कितना दूर है. और जो रेडियस वेक्टर है अपना, इट इज द वेक्टर फ्रॉम, वैसे यहां पर अपन बोल रहे हैं सेंटर, पर किसी और पॉइंट से भी आप डिफाइन कर सकते हो. इन जनरल वी आर डिफाइनिंग द रेडियस वेक्टर एज वेक्टर फ्रॉम द सेंटर. इट इज द वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू पार्टिकल, सेंटर से लेकर पार्टिकल तक. चलो सेकेंड देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज द एंगल थ्रू विच पार्टिकल रोटेट्स इन सम टाइम इंटरवल. Angle through which particle rotates in some time interval. जैसे ये पार्टिकल यहां से लेकर यहां आ गया, इसकी एंगुलर पोजिशन मान लो पहले थीटा वन थी एट टी इज इक्वल टू टी वन और इसकी एंगुलर पोजिशन जो रेफरेंस है अपन नाप रहे हैं थीटा टू एट टी इज इक्वल टू टी टू. तो कितना एंगल इसका चेंज हो गया, इसको अपन कह सकते हैं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा टू माइनस थीटा वन. इसमें भी एक बड़ा ही बढ़िया पॉइंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, पर वो मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्रेशन समझाने के बाद लिखाऊंगा. अगर अपन बात करें तो क्या हो गया अपने पास, लार्ज इंटरवल. लार्ज मतलब कुछ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. अगर बहुत ही स्मॉल इंटरवल हो टाइम का, जैसे टी इज इक्वल टू टी से टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, तो इसको अपन कह सकते हैं डी थीटा. तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम इंटरवल में जो आएगा वो क्या बनेगा, एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. दिस कैन बी अप्रिशिएबल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि पार्टिकल चक्कर लगाकर आया तो कितना घूम गया वो, टू पाई है ना, या फिर आधा सर्किल, वन फोर्थ सर्किल. और ये बहुत छोटा तो क्या है कि एक फ्यू रेडियन का मान लें अपन, एक आठ डिग्री का मान लें, लेस देन दैट जो अपने होता है डी टी बोलते हैं अपन, बहुत ही छोटा चेंज जो होता है. तो बहुत छोटे चेंज को आप डी थीटा कह सकते हैं और बड़े चेंज को हम थीटा या फिर
डेल्टा थीटा भी इसको कह सकते हो, थीटा और डेल्टा थीटा, लार्ज डिफरेंस इन द एंगुलर पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, एंगल थ्रू विच पार्टिकल रोटेट्स का ये मतलब हो सकता है चेंज इन द एंगुलर पोजीशन, यू कैन कॉल इट चेंज इन एंगुलर पोजीशन। जैसे वहां पर था चेंज इन लीनियर पोजीशन इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड अपन पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। हाँ भाई कुछ दिक्कत आ रही आ रहा है पढ़ने में, सिंबल थीटा की जगह यू कैन यूज डेल थीटा ऑल्सो फॉर लार्ज एंड डी थीटा फॉर स्मॉल। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये होती है अपने पास डी थीटा अपॉन डी टी, यू कैन राइट इट एज डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे वेलोसिटी होती है अपने पास वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी जो अपने पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, गोपाल दिख रहा है क्लियर, इज अ वेक्टर और इस वेक्टर को कहा जाता है एक्सियल वेक्टर। सर्कुलर मोशन में एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जैसे ये पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है, मान लीजिए इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ओमेगा का अपन, ओमेगा का यहां स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जैसे पार्टिकल घूम रहा है जिसका एक्सिस का मतलब तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर। एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो ये हो गया इसका एक्सिस जिसके अबाउट ही घूम रहा है। तो इस केस में आपको डायरेक्शन निकालना हो तो जैसे पार्टिकल घूम रहा है वैसे फिंगर्स को घुमाओ, जहां थम जाएगा वो बताएगा इसका डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। जैसे ये पार्टिकल यू घूम रहा है, डैश डैश का मतलब होता है कि पीछे वाली साइड और डार्क का मतलब क्या होता है फ्रंट साइड, तो डार्क फ्रंट मतलब आपकी तरफ और डैश डैश मतलब पीछे की साइड, तो ये आपको एरो ऐसे दिखाए तो इसका मतलब अपनी फिंगर्स को ऐसे ही घुमाओ जैसे एरो दिख रहा है, तो थंब कहां जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका जो ओमेगा वेक्टर होगा वो कहां होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, समझे पॉइंट ये। तो ये पार्टिकल जो है सर्किल के ऊपर रोटेट कर रहा है तो इसका ओमेगा वेक्टर कहां होगा ऊपर की तरफ, और अगर ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा होता तो इसका ओमेगा कहां आ जाता नीचे की तरफ, तो ये इसका ओमेगा का डायरेक्शन हो जाता। टेंट पॉइंट ये, अगर आप टॉप व्यू से देख रहे हो ये पार्टिकल जो है वो इस सेंस में घूम रहा है इस तरीके से, तो ये अपनी फिंगर्स होंगी तो ये बाहर की तरफ आ गया ओमेगा,
बाहर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डॉट या क्रॉस? मैग्नेटिक फील्ड में डॉट होता है ना बाहर, है ना? तो चौथ मैं कहता हूं यहां पर ये इसका ओमेगा का डायरेक्शन हो गया बाहर की तरफ, है ना? ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन, और उल्टा दिखा दिया, ऐसे घूम रहा है, ओमेगा इनवर्ड हो गया। तो जनरल वही टर्म यूज कर लेते हैं, डॉट क्रॉस ही, डॉट का मतलब का बाहर की तरफ। तो इस केस में इसका जो ओमेगा वेक्टर है वो ये डायरेक्शन एक्सिस, ये अपन ऊपर से देख रहे हैं, पूरा सर्कल नजर आ रहा है, साइड से यू घूमता हुआ जाएगा पार्टिकल, यू भी क्या बहुत बिल्कुल स्टूडेंट भी देखो तो ऐसे ऐसे लगेगा आगे हिल रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर दिखाते हो उस साइकिल में घूमते हुए नजर आएगा, टॉप व्यू आपको प्रॉपर दिखेगा। बीटेक फर्स्ट ईयर में बड़ा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है मशीन ड्राइंग, उसमें तो वो भी मतलब दो आएंगे ड्राइंग के आपके, एक और एक पीजी होता है, एक एमडी, तो दोनों में खूब आप ड्राइंग श्राइंग बनाओगे इसमें, ये समझिए बात। ये सब जो पढ़ते हैं अपन हेलिक्स स्पायरल वगैरह वो सब आप पूरे ओपन करके सारे के सारे वो ड्रॉ करोगे, ऑल स्पायरल्स हेलिक्स एंड एवरीथिंग। जब अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते ना मैग्नेटिक फील्ड में कभी कभी पाथ हेलिक्स होता है, ऑल समझिए बात। ये वेक्टर का डायरेक्शन वो अपन लोग क्या बता रहे हैं कि ये मतलब आपको ये एरो नहीं दिखाया जाए, मैं तो साथ दोनों चीज साथ में दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में तो बस इतना बोल देंगे कि पार्टिकल का जो है, या तो ऐसे बोल देंगे कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर मैं जैसे रिलेशन लिखूंगा कुछ वी ओमेगा और आर में रिलेशन आएगी, वेक्टर फॉर्म में आएगी, तो सारे वेक्टर्स के डायरेक्शन फिक्स होंगे। जैसे कि पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वी, उसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्किल। वी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट, तो वी ऐसे ऐसे टेंजेंशियल रहेगा तो पार्टिकल यूं घूम रहा है इस सेंस में। तो उसी को डिफाइन करने के लिए क्या चूज किया गया, एक एक्सियल वेक्टर जो एक्सिस के अलोंग लगेगा और बता देगा पार्टिकल का सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अभी मैं एक रिलेशन निकालूंगा आर वी और ओमेगा में, आर इज पोजिशन वैक्टर, वी इज वेलोसिटी वैक्टर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी वैक्टर, तो उसमें तीनों के डायरेक्शन बता होंगे तभी जाकर वो रिलेशन को आप समझ पाओगे ढंग से। तो कोई भी वैक्टर है उसका डिफाइन तो करना पड़ेगा डायरेक्शन क्या होता है, किसी को अगर आपने वैक्टर बोल दिया कि ये वैक्टर होगा तो उसका डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा, बोल दिया वेक्टर और डिफाइन ही नहीं करे कि डायरेक्शन कैसे होता है, तो फिर तो वेक्टर बोलने का मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो जैसे अपन बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, पाथ की टेंजेंशियल होती है, तो पहले अपन ने बताया लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होती है, तो बताना पड़ेगा डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं उसका। तो हर चीज का अपना, जैसे रेडियस वेक्टर है, डेफिनेशन में उल्टा भी कर लेते तो क्या कर लेता कोई, कि दिस वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम पार्टिकल एंड एंड्स ऑन द सेंटर, तो क्या उसमें कोई गलती थी, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो कोई भी वेक्टर डिफाइन किया है तो अकॉर्डिंगली उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कैसे डिफाइन किया गया है, समझे पॉइंट ये। तो ये क्या बताएगा, इसका सेंस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल किस तरीके से घूम रहा है। तो केवल ये दे दिया तो आप ये बता दोगे, और ये दे दिया तो आप उसका डायरेक्शन बता दोगे अपने आप ही। मैं दोनों चीज दिखा रहा हूं जस्ट समझाने के लिए आपको। तो ये समझे एंगुलर वेलोसिटी, और इसको अपन पढ़ते हैं या तो रेडियंस पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और कई टाइप की यूनिट्स में इसको पढ़ते हैं। और एक रिवॉल्यूशन कितना होता है, 2π रेडियंस, या फिर इसको अपन 360 डिग्रीज भी कह देते हैं। तो कन्वर्जन तो कर लेंगे अपन आसानी से कि एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, 2π रेडियंस, समझे पॉइंट। अब एंगुलर वेलोसिटी लिखा इंस्टेंटेनियस, थर्डी में मैं एक और चीज लिखता हूं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
और इसको लिख देंगे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. सिंबल ये यूज कर लो या फिर इसको लिख दो W एवरेज. यू कैन कॉल दिस इज थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, टी 2 माइनस टी 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1. समझे पॉइंट? अब एक पॉइंट जो लिख रहा हूं मैं उसको भी डाइजेस्ट करना है आपको ध्यान से. जैसे वहां देखते हैं लीनियर मोशन में तो अपने दो चीज डिफाइन कर रखी हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. पर यहां पर एंगुलर डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, एंगुलर डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है. सुनी तो नहीं किसी ने ना एंगुलर डिस्टेंस? अरे तो पर वहां पे था कुछ, तो उस चीज को कंपेंस, यहां भी पार्टिकल घूमेगा अगर तो कुछ होना चाहिए डिफाइन उस टाइप का. तो यहां पे देखो कैसे उस चीज को कंपनसेट किया गया है कि जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रीटेड एज स्केलर्स. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स, बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर ट्रीटेड एज स्केलर्स. जैसे एक चक्कर लगा के आया मैं पूरा, जैसे लार्ज डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π बोला जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल को गया और अभी या कल को बोले फिर कि सर ये चक्कर घूम के आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 जाना चाहिए इसका. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं बड़े उनको माना जाता है स्केलर्स. एक चक्कर काट के आया तो बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, दो काट के आया तो 4π, है ना, 4π बन गई. चार काट के आएगा तो 8π बन जाएगा, है ना. तो छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स माने जाते हैं वेक्टर्स और बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या माने जाते हैं? स्केलर्स. तो डी थीटा अगर है तो उस पर तीर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डेल्टा थीटा पे तीर मत लगा देना, क्योंकि जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्केलर्स. ये नहीं कि सर भूल गए, अरे क्या इतनी सी बात, मैं खुद ही लगा लेता हूँ. तो ये नहीं कि जहाँ जाऊँ भूले सर तो लगा देता हूँ मैं खुद ही. हम भी इंजीनियर है, कम थोड़ी है, थोड़ा सा फर्क है 4-6 महीने की बात है, और 4 साल बाद सर के साथ ही पैरेलल खड़े होंगे. तो डेल्टा थीटा, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? स्केलर्स एंड स्मॉल आर वेक्टर्स. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन हुआ है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो इसलिए वो भी क्या होगा? वेक्टर. तो अपन कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या है? अलोंग द एक्सिस, एक्सियल वेक्टर. और तरीका समझा दिया ना, फिंगर घुमा के कैसे दिखाना है अपने को, राइट हैंड रूल. लेफ्टी हो या राइटी, राइट हैंड यूज करना है. ये देखिए सर मैं तो लेफ्टी हूं, बचपन से लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं, आप जो है तो उसमें ऐसा नहीं है. जो भी आप हाथ यूज करें, यूज क्या करना है वहां पे, हमें राइट हैंड ही करना है. छोटे बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं जब वो वेक्टर चालू करते हैं ना, तो बताया जाता है उनको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो तो अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो, अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ और फिर थंब जहां जाएगा. तो एक बार शुरू में एक बार बोलते हैं ना, तो जब समझा रहे होते हैं तो वो अगर बोलना भूल गए कि थ्रू स्मॉल एंगल घुमाना है, तो जैसे ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो मैंने बोला कि ये ए क्रॉस बी है ना, थोड़ा सर ये तो ऐसे भी तो घुमा के ला सकते हैं. तो फिर बोलना पड़ता, नहीं नहीं थ्रू स्मॉल एंगल ले जाना है. अगर वो एक बार भूल गए तो इमीजिएटली उनका दिमाग से दौड़ता है कि सर
वैसे भी घुमा सकते हैं, तो फिर वो ऐसे करके घुमा के लेके आते हैं। आप तो खैर बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहे हूँ। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज वेक्टर, बट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर। तो ऐसा नहीं कि सर आलसी है, सर ने यहाँ तीर नहीं लगाया और वहां तो चलो ठीक है, थोड़ा नीचे था तो लगा दिया और यहाँ थोड़ा ऊपर लिख दिया तो हाथ में। तो उसका कारण है कि क्यों यहाँ पर तीर नहीं लगाया गया, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। तो एंगुलर वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस तो वेक्टर है, और जो एवरेज है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी, छोटा जो है होता है वो तो वेक्टर, और बड़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, स्केलर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज स्केलर। समझे पॉइंट साहिल, क्लियर है? कोई शक या सवाल? तीन नंबर तक हो गया था, फिर चार लिख दे। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसके लिए ज्यादातर सिंबल कौन सा यूज करते हैं अपन, अल्फा। अगर पता नहीं कि इरोडो साहब वेक्टर कैसे दिखाते हैं, वेक्टर साइल इरोडो साहब वेक्टर दिखाने के जो अपने तरीके होते हैं वो दो होते हैं ना, एक तो क्या होता है अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा दो, और दूसरा क्या होता है तरीका, डार्क, मोटा करके दिखाओ उसको, ऐसे लिखना भी क्या होता है, एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बताया होगा मैडम ने 11th में जब वेक्टर्स पढ़ाया होगा तुम स्कूल में तो इरोडो साहब फॉलो दिस कन्वेंशन। आपको इरोडो की किताब में नेग्लिजिबल एरोस दिखेंगे, मतलब कभी कभार ऐसे कोई दिन मतलब मूड अच्छा नहीं है तो लगा दिया, वरना उन्होंने करीब करीब सब में जो है यही सिंबल यूज करते हैं वो, कि यू डोंट प्रेफर दिस सिंबल फॉर वेक्टर्स, ही ऑलवेज गो फॉर दिस सिंबल। तो चलिए खैर, इट हार्डली मैटर्स। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फा, इसमें भी दो होंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अल्फा डी ओमेगा अपॉन, और वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, कह सकते ना इसको। एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये भी एक एक्सियल वेक्टर ही है, ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, जैसे कि ओमेगा था, इट इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर। तो अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब इसका ओमेगा कहां होगा, ऊपर की तरफ, तो इसका अल्फा कहां दिखाऊंगा मैं, अल्फा ऊपर ही साइड, अरे साइड का लिख तो दिया एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सिस पे दिखाना है ना, कितना तो साफ सुथरा लिखा है, समझ में नहीं आ रही, एक्स आ देते हैं, ठीक है, तो एक्सिस पे तो होना चाहिए ना, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ओमेगा ऊपर है ना, ओमेगा कहाँ है, ऊपर, तो अल्फा जो है वो ऊपर भी हो सकता है, और अल्फा ओमेगा ऊपर होने के बाद भी, ये डिपेंड करेगा कि ये एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है ना, पंखा चालू भी करते हो तो बंद भी तो करते हो ना, तो चालू करते हो तो स्पीड बढ़ती है, और बंद करते हैं तो स्पीड क्या होती है,
कम होती है. तो चालू करने वाला ये केस होता है और बंद करने वाला वो केस होता है. बिग ब्रेन नेटवर्क. तो अगर टाइम बढ़ने से ओमेगा बढ़ेगा तो अल्फा और ओमेगा का साइन क्या होगा, डायरेक्शन जो है सेम हो जाएगा. और अगर टाइम बढ़ने से ओमेगा घट रहा है तो अल्फा और ओमेगा के डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, है ना. तो ऐसे कह सकते हो आप, चलिए अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक साइड मान लेंगे प्लस तो एक साइड माइनस, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ये जो मैंने ये दिखाया एरो, इसको दिखाने का एक तरीका और होता है जिसको आप क्वेश्चन में दिखाते हैं ऐसे रोटेटिंग वेक्टर दिखाकर. ऐसे ये चीज मैंने ऐसे दिखाई है, इसको अगर आप इसकी जगह कहां था, डॉट था ना, तो इसको कुछ बुक्स में क्वेश्चन में ऐसे भी दिखा देंगे. तो इसका भी मतलब क्या है, आउटवर्ड वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर जो है. तो दिस सिंबल इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट ओमेगा एंड सिमिलर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अल्फा ऑल्सो. तो अगर ये पार्टिकल मान लो इस तरीके से घूम रहा है और इसका घूम रहा है ऐसे, मतलब ये ओमेगा हो जाएगा, है ना, ओमेगा का डायरेक्शन जो घूमने वाला सेंस होता है वो तो ओमेगा होता है. और अगर इसका ओमेगा बढ़ रहा होगा तो अल्फा भी क्या आ जाएगा उसी डायरेक्शन में. इसमें क्या होगा, अपने पास टाइम बढ़ने के साथ ओमेगा बढ़ रहा होगा. और अगर उल्टा दिखाएंगे तो मान लो पार्टिकल घूम ऐसे ही रहा है तो ओमेगा तो वैसे ही दिखाया जाएगा, पर ओमेगा कम भी हो सकता है तो अल्फा उल्टा भी अपन शो कर सकते हैं. तो इसमें कह सकता हूं कि टाइम बढ़ने से इसका ओमेगा घट रहा होगा. समझे पॉइंट, ये मिटा दो नहीं, ऐसा भी दिखा सकते हैं अपन वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो. खेरिया के लिए कुछ भी करेंगे, ऊपर चढ़ के भी ऐसी बंद करेंगे. एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इसको लिखा जाता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. तो इट इज, और इसके लिए सिंबल चाहे तो अल्फा एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टेकन. रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम टेकन. एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर्स होंगे क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस ओमेगास का डिफरेंस. और इंस्टेंटेनियस ओमेगास जो होते हैं वो तो दोनों वेक्टर्स ही होते हैं. और वो क्या है अपने पास कि किस रेट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ओमेगा बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस ओमेगा. तो एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस, एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ विल बी वेक्टर्स ओनली. और इसका डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन ओमेगा का डायरेक्शन होगा. तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का चेंज जिस तरफ पॉइंट करेगा उस तरफ ही एवरेज एक्सेलरेशन पॉइंट करेगा. और यूनिट तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर. और आर्ट्स में भी पढ़ सकते हैं अपन इसको, तो यूनिट्स कुछ भी हो सकती हैं इसकी. समझे पॉइंट, चलिए आज इतना ही बहुत है.